अच्छा आप गए उसड़िया जाके आ गए। जी अच्छा चलिए ठीक। नमस्कार, आज के सत्याग्रह सत्र में हम बात करेंगे जो नई किस्म की राजनीति, नई तो नहीं कहनी चाहिए लेकिन सांप्रदायिक राजनीति को नया एक रूप दिया जा रहा है। नया हम लोग का ये मानना था कि जो राम मंदिर आंदोलन है वो एक बार राम मंदिर बन जाएगा तो उसको विराम मिलेगा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन हैं, हिंदुत्वादी संगठन, जो नारा लगाते थे कि ये तो अभी बाकी है और मथुरा काशी बाकी है, तो मथुरा और काशी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लोग न्यायालय जा रहे हैं, जिस तरह से अयोध्या के मामले को लेके भी पहले न्यायालय गए थे लोग, और अंग्रेजों के समय में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो पहला व्यक्ति न्यायालय गया था उसकी याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर एक जज साहब ने उसको स्वीकार कर लिया, और उसके बाद ये जो न्यायालय में जो विवाद है ये आगे बढ़ता गया, और फिर हम सबने देखा कि किस तरह से एक जिसको बात का पतंगड़ कहते हैं या तिल का ताड़ जो बनाने वाली बात है वो हुई, और मूर्तियां रखी गईं, और उसके बाद वो जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था उसको ढहाया गया, और फिर पूरा एक अभियान चला मंदिर बनाने का, और भारतीय जनता पार्टी इसी राजनीति को लेके सत्ता में आई, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई जमीनी आधार इस देश में नहीं था। मुश्किल से 2 सीटें होती थी पार्लियामेंट में, लेकिन जब ये राम मंदिर का आंदोलन चला तो उनका जनाधार बढ़ता गया, और धीरे धीरे उन्होंने कई राज्यों की और केंद्र की सत्ता पे भी कब्जा कर लिया, और अब हम देख रहे हैं किस तरह से वो कब्जा लगभग एक इस रूप में बदल गया है कि लोकतंत्र और लोकतंत्र की के सारे संस्थाओं पे उनका कब्जा है, उसमें उनकी जबरदस्त घुसपैठ है, और वो अपने मन मुताबिक निर्णय वो करवा रहे हैं अलग अलग संस्थानों से। सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय हो गया मंदिर बनाने का, और मंदिर और जो मस्जिद को ढाने वाले लोग थे वो सारे बरी हो गए, इसके बावजूद कि मस्जिद गिराने में जो लोग शामिल थे उनके बाकायदा प्रमाण है, वो वहाँ मौजूद थे, किस तरह से वहाँ मस्जिद गिरने पे वो उत्साहित है, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, और उसमें उस दिन जो 12-13 मुस्लिम मारे गए जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरी है उन पे आज तक FIR नहीं हुई, लेकिन वो मरे इसका प्रमाण यह है कि नरसिम्हा राव की सरकार ने उन परिवारों को मुआवजा दिया जो जो 12 या 13 की संख्या है जो उस दिन मारे गए। तो मस्जिद ढाने में मान लीजिए कि आप लोगों को बरी कर सकते हैं, लेकिन जो मौतें हुई उस दिन उसको लेके आज तक कोई FIR नहीं हुई। तो ये इस तरह की राजनीति है जिसमें हिंदुत्व जो है इस व्यवस्था पे हावी हो गया है, और उसका एक इस तरह का प्रभाव है कि वो अपनी बात तो कह लेता है, और जो जो विपक्षी हैं और खास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। इसका एक साधारण सा उदाहरण यह है कि एक FIR भी नहीं होती है जो मुस्लिम मरते हैं जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाई जाती है अयोध्या। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर लुबना सारवत है जो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की महासचिव हैं तेलंगाना राज्य की, और धनंजय त्रिपाठी हैं बनारस से, और जागृति राही हैं बनारस से, और एक वरदराजन जी भी साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और आज ने ये सत्र खास करके इसलिए बुलाया है क्योंकि लुबना जी की ये चिंता है कि अगर जो लोग न्यायालय जा रहे हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेके, और मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि स्थान पे एक मस्जिद है, और ये कह रहे हैं कि जो राजीव गांधी सरकार ने एक कानून बनाया था कि 1947 में जो भी धार्मिक स्थल थे भारत में सिवाय अयोध्या की
जो बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि वाली जगह है उसको छोड़ के किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, यानी कि जो 1947 में स्थिति थी वो बनी रहेगी। लेकिन उस कानून की भावना के विपरीत लोग न्यायालय में जा रहे हैं जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को भी देखा जाए कि क्या वहां पे कोई मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई गई, और मथुरा में भी ये देखा जाए कि कहीं कोई श्री कृष्ण की मूर्तियां तो नहीं दबी हुई हैं जहां पे मस्जिद बनी है, यानी वहां भी यही कहा जा रहा है कि मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाया गया, और वो कह रहे हैं कि उस कानून में तब्दीली की जाए। तो लुबना जी सवाल ये उठा रही हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कहाँ रुकेगी? क्या आप देश में जहां जहां मस्जिद है वहां वहां ये सवाल उठेगा कि मस्जिद को गिरा के देखा जाए कि क्या वहां कोई पहले मंदिर था? और आखिर इस किस्म की राजनीति जिसमें आपको कुछ नहीं करना है सिवाय एक बने बनाए धार्मिक स्थल पे विवाद खड़ा करना, ये एक विचित्र किस्म की राजनीति है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक धार्मिक स्थल जो बना हुआ है उस पे आपको विवाद खड़ा करना है और जनता की भावनाओं का दोहन करना है ताकि आप हिंदुत्व के वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। ये राजनीति हमें कहाँ ले जाएगी ये एक बड़ा सवाल है। आज के सत्र का संचालन करेंगे प्रवीण श्रीवास्तव जी, लखनऊ के क्वींस कॉलेज के लेक्चरर हैं, और अब मैं उनको कमान सौंपता हूँ कि वो आगे का सत्र चलाएं। प्रवीण जी धन्यवाद। पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा और भी साथी जो हमारे यहाँ मौजूद हैं उन सभी का स्वागत। तो जैसा कि पांडे जी ने बताया कि ये बड़ा मौजूद का सवाल है कि याचिका दाखिल कर दी गई है भाजपा के कार्यकर्ता हैं अश्वनी उपाध्याय, और उन्होंने याचिका में कहा है कि 1991 का जो एक्ट था धार्मिक स्थलों के बारे में वो एक्ट ही एक्ट को ही उन्होंने चैलेंज किया है, और उन्होंने इसका जो कहा है कि इससे तो लोग अपनी जो है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार का आनंद हो रहा है, और उससे उन्होंने और सबसे मजे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक नोटिस भी दे दी है। तो ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है क्योंकि ऐसी याचिका को तो खारिज कर देना चाहिए था, और ये जो 1991 में एक्ट बना था उस पर एक उन्होंने ये भी बात कही है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट है, यानी कि 15 अगस्त 1947 से उन्होंने कहा है ये ठीक नहीं है, अब इसका कानूनी क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा। और अश्विनी उपाध्याय जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 1120 ईस्वी से लेकर के अगर इस कानून को बनाना ही है था तो 1120 ईस्वी से बनाना चाहिए जब भारत स्वतंत्र भी नहीं था और कोई कानून की किताब भी नहीं बनी थी उस समय, तो वो तब से चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए या तो फिर इसको खत्म कर दिया जाए। और उन्होंने ऐसे 900 से ज्यादा धार्मिक स्थानों को चिन्हित किया है, तो ये भी इनके जो इरादे हैं बहुत खतरनाक लग रहे हैं कि अभी तो ये वैसे भी पहले भी इनका नारा रहता था कि राम मंदिर की बारी है और मथुरा काशी बाकी है, तो वो अपने इरादे को उसी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये देश के लिए कितना खतरनाक होगा और सामाजिक समरसता को कितना ज़्यादा बर्बाद कर सकता है। तो लुबना जी से मैं चाहूँगा कि इस पर वो अपने विचार प्रस्तुत करें और बताएं कि ये चीज़ कैसे थमेगी या मुस्लिम समुदाय में इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है या वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। डॉक्टर लुबना जी हाँ Am I clear? Am I audible? ओके तो आई नो कि ये बहुत अहम टॉपिक है आज की जो है सो इसका मेरी इसमें जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है मैं वो भी बताना चाह रही हूँ। जब मैं 1 ईयर बैक मैं लाइव चैनल पे जब थी डिस्कशन में इंडिया एहेड चैनल था, और उस चैनल पे मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी बंसल जी थे, ही वॉज वन ऑफ द को पैनलिस्ट, और बाकी और एक बीजेपी के भी थे। तो वो खुला बोल रहे थे उसमें कि
उनके पास पूरी 30,000 मस्जिद की लिस्ट बनी हुई है. एंड दिस वॉज दैट टाइम वेन 2019 में जब जजमेंट आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का रिगार्डिंग द बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, तब की बात है ये. तो वो लोग जनरल सेक्रेटरी साफ बोल दिए कि हमारे पास पूरी लिस्ट बनी हुई 30,000 मस्जिद की और उसमें से टॉप जो है वो काशी मथुरा की है. सो वी हैव अ लिस्ट रेडी. उसके अलावा जो आलोक जी है प्रेसिडेंट है VHP के, उनका भी ये बयान है पूरी मीडिया में कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ 30,000 मस्जिद एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. वो खुला बोल रहे थे कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. ओके एंड दिस आर नॉट स्मॉल वर्कर्स बट ऑफिशियल्स ऑफ VHP हु वर टेलिंग दीज स्टेटमेंट्स. तो मैं मेरी चिंता की ये बात नहीं है कि वो लोग ये कह रहे हैं, मेरी चिंता की बात यह है कि वो लोग वो कहने पर किसने प्रीएम्प्टिवली सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट्स को या प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को प्रीएम्प्टिवली अप्रोच करे कि भाई दिया द ऑफिशियल्स ऑफ VHP आर टेलिंग सच थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स, सो कैन यू प्लीज टेक कॉग्निशंस ऑफ दिस एंड गिव अ प्रीएम्प्टिव जजमेंट. ये इस प्रकार से किसी ने कोर्टों को नहीं हिलाए, किसी ने कोर्ट्स को नहीं हिलाए, हम में से किसी ने वो स्टेप्स नहीं लिए जो इनसे पहले ही प्रीएम्प्टिव और टकराने वाले थे, नहीं ले और उनको इतनी चांस मिली, इतना टाइम मिला. अब 2 साल के बाद आराम से दे आर जस्ट वर्किंग आउट देयर माइलस्टोन्स. देखिए दे आर डेडिकेटेड विद देयर पर्पस. हाउ डेडिकेटेड आर वी विद आवर पर्पस इज द क्वेश्चन फॉर मी. मुझे फिक्र अपनी है, मुझे फिक्र उनकी नहीं है. क्यों बोल तो वो उनकी सोच गलत है, उनकी रास्ता गलत है, खुला है वो. लेकिन हमारी जब सोच गलत सही है और रास्ता हम सही सोच रहे हैं तो हम क्यों कदम सामने नहीं ले रहे, इस बात की मुझे फिक्र है. मुझे फिक्र उनकी नहीं है. उनको हराना बहुत आसान है लेकिन हमारे कदम ठोस नहीं है, बल्कि उनके कदम बहुत ठोस है जबकि उनका इरादा बहुत ही कमजोर है, उनका आस्था बहुत ही कमजोर है. लेकिन हम लोग स्ट्रांग रहने के बावजूद अपने ख्यालों में अपने कामों में फिर भी क्या है, अपन अपनी माइलस्टोन्स अपन स्ट्रेटेजिक नहीं है, अपनी माइलस्टोन्स नहीं है. अपन कोई एक लेके इस चीज देश को हलाने वाली है भाई. ये कैन बी फॉरगेट की बाबरी मस्जिद की क्या हुई. और मैं और अब ये इससे पहले नो दिस इज द ओपनिंग थिंग दैट आई वांट टू टेल कि हाउ आई एम पर्सनली इन्वॉल्व, क्योंकि मुझे खुद बताया गया इंडिया हेड चैनल पे बंसल जी ने. एंड मुझे एक गिल्टी फीलिंग आ रहा है कि भाई मुझे खुद को बताया गया और मैंने कुछ नहीं किया. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. आई एम रिपीटेडली अप्रोचिंग माई पार्टी, अप्रोचिंग द लॉयर्स, बट नथिंग इज हैपनिंग. तो वो थोड़ा मेरे इट इज वेइंग हेवी ऑन माई हेड एंड माई हार्ट. दैट इज वन थिंग. नाउ कमिंग डाउन टू दिस एक्चुअल जो अभी जो हुआ है कौन सा ज्ञानवापी मस्जिद का, आपने जैसे बताया दो चीज है यहाँ पर. एक तो वो लोग एक्ट को खुद को चैलेंज कर दिए सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर ये जो दहशत फैला लेने के लिए क्या करे, अलाहाबाद हाई कोर्ट में इस चीज की एक ज्ञानवापी मस्जिद की ऑलरेडी 1991 में टाइटल सूट फाइल हो चुकी है. 1998 में अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी ऑर्डर को रिजर्व रख दिए. ऑर्डर वाज उन्होंने बोले कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन नाउ एंड द फाइनल ऑर्डर इज रिजर्व, इट इज नॉट एट डिलीवर्ड. अक्टूबर 1998 की बात है. उसके बाद अब 2021 में ये लोग को लगा कि बस देर इज समथिंग दैट हैज टू कम अप नाउ एंड दे अप्रोच द वाराणसी कोर्ट विच इज अ लोअर कोर्ट. वहां जाके वो लोग क्या करते हैं कि वहां पर इसकी ऑर्डर ले आते हैं. वहां से ऑर्डर मिल जाता है इन लोगों की ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद की खुदवाई करके, खुदवाई नहीं उसकी स्टडी रिपोर्ट देना चाहिए कि वहां पर पहले उस मस्जिद के नीचे कुछ था या नहीं, कुछ टेम्पल था या नहीं बोल के एक लोअर कोर्ट से लाते हैं. सो नाउ दी उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन विच इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर मस्जिद द कमिटी, द अंजुमन कमिटी और उत्तर प्रदेश की सुन्नी वक्फ बोर्ड बोथ हैव नाउ अप्रोच द अलाहाबाद हाई कोर्ट. ये कहते हुए राइटफुली कि ये कोई जुडिशियल डिसिप्लिन नहीं है इन लोगों के पास. जब आपके पास केस रन हो रहा है, आपने स्टे और ऑर्डर्स को रिजर्व में रखे हैं, आपने ऑर्डर अभी दिया नहीं है, दैट मींस द केस इज एक्टिव एंड लाइव इन द अलाहाबाद हाई कोर्ट, देन हाउ आर दे गोइंग टू अ लोअर कोर्ट ओवरराइडिंग द जुडिशियल डिसिप्लिन एंड दे आर गेटिंग एन एक्चुअली एक्टिव ऑर्डर फॉर द स्टडी बाय द ASI ऑन द सेम टॉपिक. तो इस हिसाब से ये एक चल रहा है अभी.
और ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है फाइलिंग अगेंस्ट दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, अब उस एक्ट में क्या है, वहां पर एक सेक्शन 2 या 3 में जो लिखा हुआ है कि दे विल नॉट बी एनी चेंज इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड द स्टेटस को विल बी मेंटेन, एक्सेप्शन एक दिया गया बाबरी मस्जिद का. नो, उसी एक्सेप्शन को पकड़ के ये लोग सुप्रीम कोर्ट में ये लोग मांग रहे हैं कि हम लोग को फ्रीडम नहीं है हमारे रिलीजन प्रैक्टिस करने का, क्योंकि हमको फ्रीडम चाहिए कि हम किसी भी मस्जिद जहां पर हमको डाउट रहे पूरी तरह से, हमको वहां पर स्टडी रिपोर्ट की हमारी हक चीनी जा रही है. ये उनका कंटेंशन है. See how it is being framed that they are actually right in asking and that they are being deprived of something. But the point, the sad part of it is, instead of dismissing the plea and focusing on the entire what the country needs right now, Supreme Court has actually issued a notice to the central government to look into this. What is the section to be deleted, deleted, whatever it is, you have to see. Bolke Supreme central government ko notice chali gayi. Now, yahan par mera abhi bhi ek gum ki kahani kya hai? कि जब वाराणसी कोर्ट में ये हुआ कि उन्होंने एएसआई को ऑर्डर कर दिया कि स्टडी करना चाहिए, तब इसका रिस्पांस किसने दिए? हु वेंट टू द अलाहाबाद हाई कोर्ट? इट वाज ए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अंजुमन एंड इट वाज उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड. लेकिन सैड पार्ट ये है कि नो पॉलिटिकल पार्टी हैज गॉन नाइदर टू द, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वहां पर जमाते Ulama-e Hind has filed a appeal in the Supreme Court against that worship places of worship act jo abhi central government ko notice gayi hai. To aap har jagah dekhiye, it is the Jamaati Ulama-e Hind, it is the Anjuman, and it is the Uttar Pradesh Sunni Waqf Board. Of course Sunni Waqf Board is a governmental organization but based on the Islamic Waqf. To mera baat kya hai ki yahan par, see what is happening here is an Indian act is being challenged. An Indian religious institution, we call the Gyanwapi Masjid, is being challenged. So, but the response is coming to response to challenge those orders and to protect the particular institutions called, now whether it is the Act or whether it is the institution called Gyanwapi Masjid or the Eidgah at the the Krishna Janmabhoomi Mathura. Yeah, sab jagah kya ho raha malam? It is Muslim organization who is coming up. It is not a communal issue, and it is being actually by Muslims responding. It is actually becoming a communal issue. It is not a communal issue. Ek Indian Act ke upar challenge ho raha hai, which has to be determined not on any faith, any emotion, any social emotion, nothing. But it has to be decided on the basis of the Constitution of India, on the needs of India, on the natural principles of justice. तो यहाँ पर कम्युनल की बात आई, क्यों आई और क्यों मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? दिस इज वेयर द पॉलिटिकल पार्टीज आर फेलिंग द कंट्री. आपका कहना है कि इससे जो है वो केवल मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को इसके अगेंस्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा कम्युनल बन जाएगा. yes. और सिविल सोसाइटीज को आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा रिलीजियस का नहीं है, बल्कि ये भारतीय संविधान पे या जो कोर्ट का ऑर्डर है कोई चैलेंज कर रहा है जी. तो ये जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है इसको डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए अगर केवल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ही इसके अगेंस्ट आएंगे तो ये तो भाजपा का ही एजेंडा तो सर्व करेगा कि वो एक रिलीजियस प्लेस मुस्लिम वाला है और इसीलिए वो लोग इस पर आ रहे हैं और कोई सिविल सोसाइटी वगैरह पे इसमें कोई स्टेप ले नहीं रही है. यहाँ मैं एक बात बताना चाह रही हूँ. I am not even telling civil society. With consciously I brought in the political party. मैं एक political party की representative हूँ. मैं political party की मैं active member हूँ. तो मैं political मेरी party की मैं बहुत appeal कर रही हूँ कि they must approach. और मैं political parties को यहाँ पर लाने की मैं एक बात बताती हूँ. Political parties of the country by virtue of being present representatives, the कई assemblies में in the country और कई in the parliament. एक कई जगहों पे पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेजेंस है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, अपनी अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में और लोकसभा में, राज्यसभा में. तो इनके ऊपर एक खास जिम्मेदारी आ जाती है कि दे हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंड इन 1992 शुड नॉट हैपन अगेन. इनके ऊपर एक खास जिम्मेदारी है.
सिविल सोसाइटीज की लास्ट जिम्मेदारी है. दे आर नॉट, दे आर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बट द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू डू इट. पार्टी तो लेजिस्लेचर में ही इसको उठा सकते हैं, वो क्या कोर्ट में जा सकते हैं इसके लिए, मेरा ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो मैं सोशलिस्ट पार्टी से हम मैं सोचती हूँ कि वो असेंबली वगैरह में उठाएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, मुझे लगता है हो सकता है. लेकिन सोशलिस्ट पार्टी ये तो कर सकती है कि वो कोर्ट को जा सकती है, क्योंकि क्योंकि अभी एक्टिव कहाँ हुआ, ये एक्टिव अभी पार्लियामेंट या जहां पर ये पार्लियामेंट बॉडीज है, असेंबली बॉडीज है, वहां एक्टिव नहीं है ना. राइट नाउ व्हाइट इज हॉगिंग द लाइमलाइट, बिकॉज इट इज गॉन टू द कोर्ट्स, इट इज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट, इट इज गॉन टू द वाराणसी ट्रायल कोर्ट, इट इज गॉन टू द अलाहाबाद हाई कोर्ट. तो हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस, अपने काउंटर वही बता सकते हैं ना फिलहाल. तो वही तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इजिली अपन एम्प्लीड कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपील्स को. So I feel that political, any political party can do that. Our political party does not have a presence in these elected bodies, but we can go to the court. Nobody can stop us. And the other political parties ko hum logon ne appeal kar sakte ki bhai we could, cannot raise it in any of the elected bodies. We could go to the court. We have gone. Now we appeal to the Congress, to the CPM, to the CPI, to so many other parties ki please aap log uthaiye awaaz jaldi se. We have to nip it in the bud. Ve ye andar se ye hari kahan hai? Ye hari nahi dikh raha hai mujhe. This is the point that I want to raise. आपको कहना है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको इस इशू को कोर्ट में चैलेंज किया जाए, नहीं तो क्योंकि तो अभी ये बहुत शुरुआत है. Yes. और इसको नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो शुरुआत भी नहीं है, ये काफी दूर तक पहुंच गया क्योंकि नोटिस चला गया है. मैं तो कह रही थी कि प्रीएम्प्टिवली कुछ करना चाहिए था, वो नहीं हुआ और अभी भी ये चला गया. ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर आया गया लेकिन अभी भी टू मुस्लिम बॉडीज वहां पर उतरे हैं, बट अभी तक इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर नहीं उतरे. तो बहुत ही फेवरेबल ही आना है क्योंकि वो तो मतलब जिस सरकार को नोटिस गया वो तो वही चाह ही रही है, तो वो तो हो सकता है कि उसे चेंज करने के लिए कोई. और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर लाना चाह रही हूं, बाबरी मस्जिद की जब आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसकी आर्किटेक्चर और उसकी जो बनावट है ना, जब आप वो पढ़ेंगे तो उसकी जो इट इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल, उसकी डिटेल्स पढ़ के मैं हैरान हो गई. उसकी जो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चुरल कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो साइंटिफिक डिजाइन है, इट वुड बी अ वंडरफुल स्टडी फॉर द एंटायर वर्ल्ड्स आर्किटेक्चुरल स्टूडेंट्स. इसकी गहराई से जो डिस्क्रिप्शन है वो आज भी उसकी रेप्लिका से लेके, उसकी रेप्लिका अगर अपने को मिलेंगी तो वो सिर्फ ब्रिटिश म्यूजियम में है, यूके में है, यहाँ कहीं भी नहीं है. उतनी बेहतरीन चीज थी, द वर्ल्ड लॉस्ट इट. यू नो व्हाट, इंडिया डिड नॉट लूज अ मस्जिद. The world lost a marvelous architectural, marvelous structure. India lost a heritage. These precede over the Muslims praying in the masjid. The Muslims praying in the masjid is the third level. First thing, it was a super architectural marvel for the entire world to be a hot tourist spot. Second, it was a glorious Indian heritage structure under the Ancient Monuments Act. But sorrowfully, neither these architectural side was invoked, nor was the heritage side was invoked, and it went away somewhere into the faith, conscience. What about the natural principles of justice that actually require such things to be preserved? Because you cannot have them reconstructed and rebuilt. It would be a wonderful study for the present day engineering and architectural students. Now, who will give that back to us? So, ये जो angles हैं, जो universal values hold करते हुए ये angles हैं. ये एंगल्स कहीं दे हैव टेकन अ बैक सीट, दैट इज सैडनिंग मी लाइक एनीथिंग. जबकि ये सब यूनिवर्सल चीजें हैं, ये नॉलेज है, ये आर्किटेक्चर, दिस आर यूनिवर्सल. द फेथ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड इट इज टोटली प्राइवेट, फॉर व्हिच वी ऑलरेडी हैव द फ्रीडम. आई हैव अ फ्रीडम टू इंटरचेंज माय फेथ, आई हैव फ्रीडम टू स्टे इन माय फेथ, आई हैव लवली फ्रीडम्स. बट सैडली दैट इज कम बिकम द सेंटर स्टेज नाउ एंड द रिमेनिंग मेन थिंग्स आर ई एक्चुअली गोइंग बैक. अभी भी वही हो रहा है कि रिस्पॉन्ड यहाँ पर अंजुमन ने दी है, जमात उलमा हिंद ने दी है, वक्फ बोर्ड ने दी है, नो पॉलिटिकल पार्टी हैज गॉन. एटलीस्ट थ्रू दिस आई एम अपीलिंग टू माय प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट कि भी अभी भी हमने प्रीएम्प्टिव तो स्टेप्स नहीं लिए, लेकिन अभी भी हम ले सकते हैं. फोरम हम एम्प्लीड हो सकते हैं और सारी पार्टीज को हम कॉल दे सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज प्लीज स्पीक अप. वी आर वरीड अबाउट इंडियाज हंगर इंडेक्स, अबाउट हेल्थ इंडेक्स, अबाउट इट्स हैप्पीनेस इंडेक्स, अबाउट इट्स एजुकेशन, अबाउट इट्स हॉस्पिटल्स. And the surging COVID, there are so many things. And India is having the largest number of suicides, depression people. Who will take care of all this? ठीक ठीक है दुगना जी, अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय सिंह जी वाराणसी से. तो
धनंजय जी से हम जानना चाहते हैं कि वाराणसी में उनका किस तरीके का काम है और वो इस मुद्दे पर वहाँ जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है और सोशल मीडिया में किस तरीके की बातें चल रही हैं। तो धनंजय सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धनंजय जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी प्रवीण जी धन्यवाद और आज धन्यवाद मौका देने के लिए। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज की सोलो स्पीकर होने की योजना ही काफी एनर्जेटिक और काफी कंटेंटफुल बात उन्होंने रखी और उनको और ज्यादा सुनने का हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो लुबना जी ही अगर और कंटिन्यू करना चाहें तो हम लोग सुनने में शायद ज्यादा और बढ़िया। मुझे लगता है कि लुबना ने ये जो सवाल उठाया है कि राजनीतिक दल क्यों नहीं ये सवाल को उठा रहे हैं, तो आप भी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तो आप जरा बताइए कि कांग्रेस पार्टी इसके बारे में क्या सोच रही है, क्या वो कोर्ट और जाने की सोच रही है या किस तरह का जवाब वो जो है तैयार कर रही है ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। अगर फ्रेंकली स्पीकिंग अगर राजनीतिक दलों की स्थिति के बारे में बात करें तो किसी मतलब वीरान अंधेरे जंगल में अगर जीप की रोशनी एकाएक तेज होती है और हिरन अगर सामने खड़ा रहता है तो उसके बाद वो रोशनी से एकदम अचानक से चकमका जाता है और उसको पता नहीं चलता है कि उनको दाएं जाना है बाएं जाना है या भाग जाना है, वो सोच नहीं पाता है। राजनीतिक दलों में जो गांधीयन मूल्यों का ह्रास हुआ है देश में उसके बाद से उनके पास कार्यक्रम नहीं है, प्रतिक्रिया देने के लिए भाषा नहीं, सिर्फ शब्द बचे हैं और उन शब्दों की बाजीगरी हो रही है और हर जगह पर यही स्थिति है। कुछ विचारवान लोग बचे हुए हैं जो अपनी अपनी जगहों से थोड़ी बहुत कोशिशें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो NSYI और यूथ कांग्रेस जिससे थोड़ा बहुत हमारा जुड़ाव है उसके ढेर सारे साथी इस बारे में लगातार इनपुट दे रहे हैं केंद्र की अपने जो टीम है उसको कि इस मामले में हम लोगों को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। लेकिन इस पर रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो एक तरीके से बहुत मुश्किल है। हम इस मामले में हम भैया जो आप जो बात जिस बारे में आपने बातचीत शुरू की उससे हम बात करना चाहेंगे कि जो FIR नहीं हुई जो आपने उल्लेख किया बहुत अच्छी बात आपने कही कि उन लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई रोशनी में ही नहीं है, लंबित प्रकरण है पूरी तरह से और कहीं ना कहीं वो नेपथ्य में भेजा जा रहा है कि स्टेज किया जा रहा है उसको। तो हम अभी जो आडवाणी जी और जोशी जी और ये उमा भारती वगैरह ये तमाम लोग जिन लोगों को बरी किया वो जज को सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उनको एक पुरस्कार स्वरूप दिया है, उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश का उनको बना दिया गया। तो जब आपको ये काम करने के लिए पुरस्कार मिलते हैं तो बनारस के जो जज हैं वो आशुतोष तिवारी जी वो फास्ट ट्रैक के कोर्ट के जज हैं अपने से और वो उनका NRCCA प्रकरण में भी बहुत सारा लगातार बयान और घटनाक्रम रहा है हमारे अपने जो साथी हैं तो हम इस बारे में थोड़ी सी बात को मतलब लुबना जी जो बात कर रहे थे वो बहुत एनर्जेटिक है, हमको राजनीतिक बात हमेशा इसी फेवर में करना चाहिए। लेकिन हम एक बात और कहेंगे कि इसके पीछे जो कारण है वो थोड़ा गंभीर है। इंस्टीट्यूशंस की हमारी संस्थाओं की जो मर्यादा है जो गरिमा है जो डिग्निटी है वो लगातार फेल की है, लगातार गिरी है। ये काम जिस बारे में लुबना जी आप कह रही थी कि ASI को और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण समूहों को विश्वविद्यालयों को और उन लोगों को इतिहासकारों को इस बारे में देखना चाहिए था। ये काम सिर्फ माइनॉरिटी ग्रुप का नहीं है कि वो मस्जिद को बचाएं या मस्जिद की किसी कमेटी का नहीं है कि वो मस्जिद को बचाएं, हम सारे लोगों का काम है। हम सारे लोग जो अलग अलग फोर्सेज के रूप में हैं चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, एकेडमिक्स के लोग हों या इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए अलग अलग लोग हों या पॉलिटिकल पार्टी, हम सारे लोगों का काम। लेकिन हम इस बारे में एक क्वेश्चन उठाना चाहते हैं कि हम सारे लोगों के सामने अभी जब
आप लोग जुड़े नहीं थे संदीप भाई, मतलब बात कर रहे थे बॉबी भाई से, और इतने सारे काम है ना हम लोगों के पास, इतने सारे काम है कि उसमें कोई एक काम तरीके से नहीं हो पा रहा है, और ढेर सारे काम है, और वो सारे काम जरूरी है। और हमको लगता है कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो लगातार कुछ ना कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि आसपास कोई क्षेत्र में बीमार पड़ गया है, किसी के कोविड के लिए लेकर किसी को बेड नहीं मिला है, किसी को कौन से दिक्कत है, और ये जो दिक्कतें हैं वो हमको लॉन्ग टर्म काम करने में और किसी मर्यादित तरीके से डिसिप्लिन तरीके से किसी मुद्दे पर काम करने से हमें रोक, ये जो मुश्किल है ये सिविल सोसाइटीज के स्पेस का, ये शायद इस बैठक में पॉलिटिकल पार्टीज का, ये शायद इस बैठक का विषय नहीं है, हम लोगों को इससे आगे बढ़ना चाहिए। हमको लगता है कि इस जो ज्ञानवापी प्रकरण है उस प्रकरण में लुकना जी ने काफी बातें कह दी है, उस बात पूरी बात को हम स्किप कर रहे हैं कि जज आशुतोष तिवारी ने क्या किया और जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है, वो हर्डल्स को हमको कैसे पार पाना है, उसकी जो पॉलिटिकल लड़ाई है और लीगल लड़ाई है उसमें लीगल लड़ाई को हम अभी किनारे कर रहे हैं, उसके पॉलिटिकल और कल्चरल आस्पेक्ट पर हम 2 मिनट समय लेंगे, हमको लगता है और भी साथियों उनको बोलना है। हमारा इतिहास 17वीं सदी से ज्ञानवापी से जुड़ता है, बनारस का इतिहास, और बनारस ने 17वीं सदी के इतिहास को जब हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है, जब हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हमारे दो पूर्वज थे बनारस, एक पंडित रामानंद पति त्रिपाठी जो कमलापति त्रिपाठी के एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, जो कमलापति त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, उनसे जुड़ता है, और दूसरा पंडित जगन्नाथ मिश्र से जुड़ता है। ये दो लोग थे जिन लोगों ने दाराशिकों को उर्दू अरबी फारसी से जोड़ते हुए संस्कृत की का ज्ञान कराया है। ये दो लोगों का उदाहरण हमारे बनारस में लगातार मिलता रहा है कि ये लोग हमारे पूर्वज हैं जिन लोगों ने किसी बुरे दौर में जब ढेर सारे पंडितों ने या लोगों ने अपनी भाषाई दिक्कतों से अपनी धार्मिक दिक्कतों से अड़चनों से दाराशिकों को संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया, उस समय पंडित रामानंद पति त्रिपाठी और जगन्नाथ शास्त्री ने, जगन्नाथ मिश्र ने उन लोगों को, दाराशिकों को और लोगों को पढ़ाया और तमाम रचनाएं भी थी उर्दू अरबी फारसी से जो जोड़ती हुई रचनाएं उस समय तैयार हुई। और उस समय की एक घटना विशेष हम आप शेयर करना चाहेंगे कि पंडित जगन्नाथ मिश्र उस समय लवंगी नाम की एक मुस्लिम लड़की से उनका का अट्रैक्शन हो गया एक समय के बाद, और जो शाहजहां के दरबार से थी तमाम किंवदंतियां हैं, तो शाहजहां की लड़की थी, कोई कहता है कोई कुछ कहता है, बहुत सारी चीजें हैं, मूल रूप से बात यह है कि लवंगी नाम की एक मुस्लिम लड़की से उनका अफेयर हुआ और वो रिलेशनशिप में आगे बढ़े, और एक समय के बाद बनारस में किसी को लेकर उनका विरोध हो रहा और उसको लेकर उन्होंने एक बनारस में उनको गंगा नदी से जुड़ने से उनको रोका जाने लगा, उनको कहा गया कि आप गंगा को स्पर्श नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप एक नॉन हिंदू से आप रिलेशनशिप में और आप इस तरह आगे बढ़े। दशाश्व में जो चर्चित घाट है बनारस का, जहाँ से लगातार प्रधानमंत्री जी और जब आते हैं तो योगी जी कार्यक्रम करते हैं, वहां पर उन्होंने बैठ कर सड़क पर जो जगह थी जहाँ से घाट शुरू होता है, सीढ़ियां शुरू होती हैं, वहां पर उन्होंने 52 श्लोकों की का उन्होंने पाठ किया और वो 52 श्लोक गंगा के कल्चरल और रिलीजियस उनके प्रार्थना चैंटिंग है, मंत्र हैं, और उन मंत्रों से उन्होंने वो पूजा की है, जिसके बाद एक किंवदंती है, कथक है बनारस के लिए कि गंगा नदी सीढ़ियां चढ़ते हुए एक एक स्टेप एक एक श्लोक पर ऊपर चढ़ी है और उन्होंने आके लवंगी जो एक मुस्लिम लड़की थी और पंडित जगन्नाथ मिश्र को उन्होंने पूरा अपने अंदर वो कर लिया है, पूरा उनको नहला लिया एक तरीके से, उसको ये कहा जाता है कि उन्होंने उस समय धार्मिक लोगों ने ये कहा कि उन्होंने शुद्ध कर दिया गंगा जी ने आकर पंडित जगन्नाथ मिश्र और लवंगी को, और कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि उन्होंने गंगा जी को गंगा जी में समा गए इस पूरे चीजों से आजीद आकर दुखी होकर। तो क्या हमारे पास ये जानकारी कभी इतिहास बोर्ड में कराई गई थी कि तुलसी की रामचरितमानस को किसने पाड़ा, किसने जलाया, किसने पानी में बहा दिया? हम लोग तुलसी को जानते हैं, रामचरितमानस का उन्होंने रचना की,
हम लोग पंडित जगन्नाथ मिश्र को जानते हैं, पंडित जगन्नाथ मिश्र का विरोध करने वालों को नहीं जानते। हो सकता है वो बहुत संख्या में रहे, उस समय भी बहुसंख्यक लोग बदमाश ही रहे होंगे जिन लोगों ने विरोध किया। पंडित रामानंद पति त्रिपाठी का भी लोगों ने विरोध किया, जिनके उनको शायद समाज से कुछ बहिष्करण की भी बात है। लेकिन इतिहास में दर्ज कौन हुआ है? पंडित रामानंद पति त्रिपाठी, पंडित जगन्नाथ मिश्र, तुलसीदास या उनका विरोध करने वाले सांप्रदायिक गुंडे? हमारा इतिहास बहुत कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। जब हम आधुनिक भारत और इस समय 2021 में आते हैं तो हमारा इतिहास बहुत कमजोर हुआ है। हमारे पास संगीत सोम, संजीव बाल्याण, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, योगी जी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग इस समय इतिहास निर्माण कर रहे हैं, जो लोग विशुद्ध सांप्रदायिक लोग। और ये सांप्रदायिक लोग अपने पूरे इतिहास बोध को सिर पे बल लेकर आना चाहते हैं और भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है, जो गंगा जमुनी तहजीब की, उसको तोड़ना चाहते हैं। और हम एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कि इतनी बातों को इस सांस्कृतिक बहुलतावाद की चेतना से जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस काम को करने की जगह हमारा जो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल काम करने का वाला जो स्पेस है वो उस हिरण की तरह है जो जंगल में एकाएक रोशनी हो रही है और उसे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उसे पंडित जगन्नाथ मिश्र को वो भूल चुका है, पंडित रामानंद पति त्रिपाठी को वो भूल चुका है, तुलसीदास से वो नफरत करता है। तो हमें मजबूरन ऐसे लोगों का उदाहरण लेकर आना पड़ता है, जो लोग ये कहते हैं कि मस्जिद तो इसी बल पर बनाई गई थी कि मंदिर तोड़ा गया था। हमें पता ही नहीं है कि मंदिर और मस्जिद की कहानी है क्या, हमें पता ही नहीं है कि मंदिर और मस्जिद एक साथ बनाए क्यों जाते, हमें पता ही नहीं है कि गंगा जमुनी तहजीब की विरासत के आधार क्या है। और जब हमें पता नहीं है तो हमारे पास जो कार्यक्रम है, जो हमारी भाषा है, वो तोड़ने वाली बनती है। हम एक पक्षीय जानकारी लेते हैं कि नहीं, माइनॉरिटीज पे बहुत हमला हो रहा है, और सीधे जाके खड़े हो जाते हैं बहुत सारे ढेर सारे उन बदतमीज लोगों के खिलाफ, जिन बदतमीज लोगों को व्हाट्सएप और फेसबुक से ये जानकारी दी गई है कि विश्वनाथ मंदिर तो तोड़ा गया था और औरंगजेब ने तोड़ा था। तो हमें वो भाषा, वो कार्यक्रम डेवलप करने होंगे, और उस भाषा और कार्यक्रम की जरूरत। हम बनारस में साझा संस्कृति मंच, जो अपना समूह है, जो लगातार ऐसे विषयों पर सक्रिय रहता है, उसकी पिछली बैठक के अपडेट एक मिनट आपको देना चाहेंगे जल्दी से। वो बैठक में हम लोग यही तय कर रहे हैं कि हमें उस भाषा और कार्यक्रम की जरूरत है। बनारस शहर में 90 वार्ड हैं, उन वार्डों में हमें भाईचारा कमेटियों को फिर से बनाने की जरूरत है, और जो समाज में काम कर रहे शक्तिशाली लोग हैं, जो मुखर हैं, जो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। और ये काम शायद इस समय की राजनीतिक पार्टियों के पास नहीं बचा। ये हम जैसे कुछ लोगों को, चाहे आप गर्व से करने को कहें, घमंड से करने को कहें, या गांधी मूल्यों की जरूरत समझते हुए कहें कि हमें भारत देश को, अपनी विरासत को बचाना है, तो हमें ऐसे कार्यक्रमों को लेकर आना होगा। वो कार्यक्रम हमें फिर से शुरू करना। और इन कार्यक्रमों के अलावा हमको लगता है कि हम एक उदाहरण और देंगे कि रिसेंट का उदाहरण है कि जब बनारस में एक संकट मोचन मंदिर है हनुमान जी का, और वहां पर जो अभी जो महंत हैं विश्वंभरनाथ मिश्र जी, उन्होंने गुलाम अली को पाकिस्तान से बुलाया था, उस मंदिर में 5 दिन का संगीत कार्यक्रम होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम होता है जिसमें विदेशों से भी लोग आते हैं, और उस पूरी 5 रात की संगीत संध्या होती है। और उस संगीत के कार्यक्रम में जब उन्होंने गुलाम अली को बुलाया तो कुछ इसी तरह के छिटपुट लोगों ने बदमाशियां की और कहा कि ये नॉन हिंदू आदमी कैसे मंदिर में आ रहा है, वगैरह वगैरह इस तरह की बात। और गुलाम अली जी ने मंदिर परिसर में बैठ के बहुत अच्छे अच्छे भजन भी सुनाए और बहुत अच्छी अच्छी गजलों को भी सुनाए। ये बनारस का इतिहास है, ये बनारस की संस्कृति है, यही बनारस की चेतना है जिसको हमें लेकर आगे चलने की जरूरत है। हमें इन विषयों पर लगातार बात करने और काम करने की जरूरत है। हमको लगता है कि जो लीगल चीजें हैं वो निश्चित रूप से कुछ लोग करें, और जिनका जिनका
शेयर जा रहा है उनको तो मजबूती से लड़ना है, लेकिन हम लोगों को जो काम करना चाहिए वो काम है समाज, और समाज में फेसबुक और व्हाट्सएप से दूर होकर हमें कुछ ऑफलाइन कार्यक्रम करने चाहिए। हम अंतिम बात जो एक लाइन से हम खत्म करना चाहेंगे कि इस धारा की लाइन पहले से क्लियर है और जावेद अख्तर साहब ने वो लाइन हम लोगों को एक दी है कि एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं सारे इंसान एक हैं, यह ऐलान गलत। हम कहते हैं नफरत का जो हुक्म दे वो फरमान गलत, वो कहते हैं ये मानो तो सारा हिंदुस्तान गलत। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया धनंजय त्रिपाठी जी, और बिल्कुल सही बात है कि जो जो ये मुद्दे उठा रहे हैं उनका पर्पज ही ये है कि वो तो मतलब वो उनको कोई मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, वो कहते हैं धार्मिक, वो उनको एक वोट बैंक चाहिए, वो इस तरीके से डिवीजन करना चाहते हैं पॉलिटिक्स। तो अगर हम समाज में पहले से इतना भाईचारा रखें कि वो डिविजनल जो डिविजन की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं वो न सफल हो पाए तो वो खुद ही इस मुद्दे पे से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि कोई उनका उसमें कमिटमेंट नहीं है, वो सिंपली इस मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं और वोटों में उसको तब्दील करना चाहते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हमारे साथ जो हैं जागृति जी भी जुड़ी हुई हैं, जागृति राही जी, हम चाहते हैं कि वो भी कुछ अपने विचार रखते हैं हमारे साथ शेयर करें। जागृति जी आप सुन पा रही हैं हमें? जागृति जी, जी जी सुन पा रहे हैं जी। हाँ जागृति जी, जी सुन पा रहे हैं जी। जी जागृति जी बताएं आप अपनी बात रखें। धन्यवाद संदीप भाई को, नमस्ते, और धनंजय की बात से ही शुरू करूंगी कि जो बातचीत है बनारस के स्तर पर, पहले तो ये चीज की एक चिंताजनक हालात तो बनारस में पैदा कर दिए गए हैं, क्योंकि जी जी आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं जागृति जी। अरे जागृति माइक ऑफ हो गया तुम्हारा, आपका आपकी आवाज नहीं आ पा रही। ये कह रहे थे जी जी हाँ आ रही है, अभी आ रही है, अब आ रही जी, आपकी आवाज आ रही है। तो जिस तरह के हालात हैं, एक परिस्थितियां जो पैदा की गई वो बहुत ही अलग तरीके से पैदा की गई हैं, या सीधे कहूँ तो बाबरी मस्जिद वाला ही मॉडल पूरी तरह से यहाँ रिप्लिकेट किया गया कि पहले कॉरिडोर के नाम पर यहाँ पे पूरा एक अभियान चला कि आसपास के इलाके को खाली कराया गया, तोड़ा गया, विध्वंस किया गया, और जिस तरह से वहां पे पैसे बांट करके लोगों को चुप कराया गया, कोई विरोध ना होने पाए उसके लिए, तो नुकसान तो बेतहाशा खुद अपने ही लोगों का, जिसको सो कॉल्ड उनका ही वोटर था उसका उन्होंने बहुत बुरी तरह किया। और उसके बाद अब वो प्लेटफॉर्म खड़ा कर हेलो हाँ तो वो प्रैक्टिकली जिस तरह का प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं तो उसमें ये सीधा सीधा दिख रहा है कि वो इरादा किस तरफ ले जा रहा है। केस वगैरह खोल करके उन्होंने आशुतोष तिवारी से जो ट्रांसफर के जस्ट पहले उनके उनसे फैसला करवाया तो वो सारे इरादे तो क्लियर हैं। कोई अभियान का जहां तक सवाल है तो हम लोगों ने सद्भाव अभियान बनारस में भी किया है और संदीप भाई बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो हम लोगों ने त्रिशूल बांटने की जगह गीता बांटना शुरू किया था और उसको लेकर के वो काफी प्रभावी रहा था।
उस वक्त भी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो मुझे नहीं याद है, मैं काफी साल हो गए लेकिन मुझे याद नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उस तरह से सामने आई हो उस मामले को लेकर के। जो लोग थे वो अलग ही अलग लोग थे और जमात थी, एक कमिटेड वो लड़ रही थी और अदालतों में केसेस लड़ने वाले लोग थे। तो हम लोगों को यहाँ बनारस में जिस तरह की टीम खड़ी करने की जरूरत है और यूपी में और देश भर में जो माहौल बनाने की जरूरत है वो एक लंबी प्लानिंग की मांग करता है। मालूम नब्बे नब्बे वार्डों है, की लेकिन गेट पे ऐसे क्रॉस वो टेप लगा हुआ था। भाई जो वार्ड की स्तर शर्मा हम भी पर दिखेंगे, लेकिन कमिटियां बनाने की वो बात तो नोट नाट पे फेंक देंगे। वो काफी प्रैक्टिकल है, वो हो सकता है होगा। उसको फिर से चीजें हम लोगों को डेवलप करनी पड़ेंगी, उसके लिए टीम खड़ी करके लगना पड़ेगा, लेकिन एक टास्क है वो। हमारा कहना ये है कि जो माहौल है अभी, जो स्थिति है देश की, उसमें इन लोगों को जिस तरह से लीड मिल रही है वो परसेप्शन की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे मिल रही है। तो पॉलिटिकल पार्टियों के पास भी हम लोगों को टीम बनाकर बनारस के लोगों के, नागरिक समाज की या देश के जो इस तरह के लोग हैं उनके माध्यम से एक अपील खड़ी करनी पड़ेगी कि ये जो किया जा रहा है बनारस में, जो पुनरावृत्ति होने जा रही है बाबरी की या अयोध्या की, उसको रोका जाना चाहिए और किसी हालत में रोका जाना चाहिए। वो चाहे इंटरनेशनली हम लोगों को अपील करने की जरूरत पड़े या नेशनली करने की जरूरत पड़े, कुछ लोगों की इस मुद्दे पे तत्काल एक बड़ी पहल लेकर साझेदारी बनानी पड़ेगी। और उसमें बड़े स्तर पर हम लोगों को लीगल एक्शन से लेकर के और जमीनी स्तर पर एक्शन से लेकर के सब चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी जैसा कि पहले वक्ता ने कहा वो कि लेट हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अगर इसको एक टास्क के तौर पर लिया जाए तो कम से कम हम ये जवाबदेही हम उठा रहे हैं और हम मुसलमानों को अकेला नहीं छोड़ दे रहे हैं, ये इतना तो हम एक दिल में जो जो है जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। नहीं तो अभी तो हालत ये है कि ये पिछले दिल्ली दंगों के बाद और एनआरसी की लड़ाई के ने जिस तरह से माहौल बनाया था उसका एक नुकसान भी हुआ है और एक वो पॉजिटिव चीज भी आई है। एक फोरम तो के लेवल पे देखा जाए तो हजारों संस्थाएं एक जगह पे एकजुट हुई हैं, किसान आंदोलन हो या एनआरसी की लड़ाई हो, उनकी ताकत दिखी है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा भी उससे कम मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं है कि भारत और इनकी पूरा पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, कि मुझे जो लगता है कि इनका राक्षस की मतलब जान जो है तोते में है, तो यही एक मुद्दा है जिसमें इनकी जान बसती है। तो मुझे लगता है इसको पूरी गंभीरता से अगर लें और संदीप भाई उसका पहल करें उस लेवल पे कि जहाँ मेधा जी हैं, शबनम जी हैं और जैसे मिट्टी सत्याग्रह में अभी एक पहल ली गई, तो उसका एक पूरे देश भर से मुंबई की बहुत बड़ी टीम है, पूरे देश भर की टीम है, उन लोगों के बीच में ये एनएपीएम की टीम है, एक मुद्दा जाए कि इस पे तत्काल एक वो बने। और जो ये बनारस के स्तर पर इसको जानबूझ करके सिमटा दिया गया है, अखबारों में जरूर बनारस के आते हैं लेकिन बनारस के लेवल पे ये हल नहीं हो सकता है। कमिटियां हम जरूर बना सकते हैं कि दंगों में ये सफल ना हो, तोड़फोड़ को लेकर के या जो कुछ भी हरकतें हो तो उसका कुछ विरोध खड़ा हो सके, वो काफी टफ है लेकिन वो किया जाएगा। लेकिन जो लेवल जो स्तर है इसका समस्या का, उसको मुझे लगता है कि देश के स्तर पर और देश के से बाहर के स्तर पर भी उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये सवाल किसी एक मस्जिद या किसी एक मॉन्यूमेंट का नहीं है या उसकी ऐतिहासिकता का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान के फ्यूचर का है और उसके संविधान का और उसके आधार की जो मूलभूत भावना है जो रही है उसका है, उसको उसी तरह से हैंडल करने की जरूरत है। और उसका काफी अनुभव है हम लोगों के पास, ये संदीप भैया जानते हैं अच्छी तरह से कि हम लोगों ने इन मूल्यों को लेकर के हमेशा ही, वो चाहे छोटी सी जमात रही हो, गांधीयन जमात रही हो या मिक्स्ड रही हो, वो खड़ा तो किया है हमेशा से उस चीज को लेके। तो उसको मुझे लगता है कि किसान आंदोलन के प्लेटफॉर्म से भी और अभी जो कोई भी प्लेटफॉर्म बन सकता है उसके लेवल पे ये खड़ा करने की जरूरत है। धन्यवाद। हाँ मैं ठीक है, इसमें धन्यवाद। और मैं हाँ हाँ सर, बस एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये जागृति ने जो कहा कि इसमें एक नई पहल लेने की जरूरत है, मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में जबकि अस्पतालों की कमी हो गई है, तो
तो हमें एक बात तो जरूर कहनी चाहिए कि भाई हमें मंदिर मस्जिद के बजाय हॉस्पिटल चाहिए। तो अभियान चला के मंदिर के लिए पैसा, अभियान चला के मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। अगर आप वाकई में इस देश का हित चाहते हैं तो उस पैसे से अस्पताल बनाइए, अस्पताल खुलना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे साथ एक दो साथी और जुड़े हुए हैं, तो अगर वो अपनी कुछ बात कहना चाहें तो वो कह सकते हैं। वरदराजन जी हैं, जफर जी हैं, आप कुछ। गुड इवनिंग सभी साथियों, मेरा नाम वरदराजन, मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट हूँ। मेरे मेल में इनवाइट आया तो मैंने सोच लिया ये टॉपिक पे मैं भी थोड़े दिन से बहुत चिंतित हूँ, तो मैंने सोच लिया कि जुड़ जाता हूँ, देखेंगे क्या बात हो रही है, कुछ सीखना मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट हूँ, जैसे कहा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, पर मेरी जो दिलचस्पी है वो सब आर्ट्स हिस्ट्री से ही जुड़ी है। तो मैं मेरा ज्यादातर वक्त ये हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हुए और ट्रेड यूनियन के इससे भी जुड़ा हूँ। मैं AIRF का जो रेलवे का जो ट्रेड यूनियन है उसके वॉलंटियर के रूप में मैं थोड़ा काम करता हूँ। तो मेरा जो कहना था, कुछ बातें जोड़नी थी। तो पहली बात कि यहाँ बीजेपी एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में सब बीजेपी को एड्रेस कर रहे थे, पर मुझे कहने की बात यह है कि ये पॉलिटिकल मोमेंट से ज्यादा एक नीचे स्तर के लोगों से उनका जो आइडेंटिटिकल मोमेंट में इसको तब्दील किया गया है, और ये संघ का खेल है। और संघ जो हमें बाहर से दिखता है वो नहीं है, संघ के बहुत से रूप है, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जंग जो वन जागृति समिति है, वैसे बहुत से उसके अभिन्न अंग है। और ये संघ की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो उनके अनुशासन वाले केडर है, जो भाजपा के नहीं बल्कि आरएसएस के केडर है। अभी एक एग्जांपल के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कुंभ का जो पर्व चल रहा है, सभी विवादों के लिए वो न्यूज पर है, पर आज इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में पढ़ने को मिला कि हरिद्वार के जो नगरी में संघ के कुछ केडर पुलिस वॉलंटियर्स बने हुए हैं। तो इस तरीके का जो संघ का केडर है वो हर तरीके में हर कस्बे तक वो जुड़े हुए हैं, और हर लोगों से उनका जो बातचीत है ये चलते रहते। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात हुई जो सच है, व्हाट्सएप है, पर उसके अलावा ये संघ का जो कैडर बेस है उनका लोगों के बीच का उभर कर आना और बात करना यह चलते रहता है। यह हमें समझेगा जय श्री सियाराम से जय श्री राम तक की जो दूरी है उसके बीच संघ और बीजेपी का जो जिस तरीके से वो बढ़ चुका है यह हमें किसी को पता नहीं। हम आज भी वह संघ को देखते हैं जिसको गोलवरकर ने बनाया था, पर बात वो नहीं है। संघ बहुत बहुत बदल चुका है संघ। एक बात कहना है, मस्जिद से रिलेटेड नहीं, एक्चुअली मैलापुर नाम का एक स्थल है चेन्नई में, वहां पर एक मंदिर है मैलापुर शिवा टेम्पल, बहुत फेमस है, और वहीं पर एक सेंट थॉमस का चर्च भी है, पोर्चुगीज चर्च है। और जब 90s में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो वहां के वह टेम्पल के कोई प्रीस्ट, जो प्रीस्ट थे उनका भी एक आंदोलन चल रहा था कि ये जो थॉमस का जो चर्च है उधर मैलापुर शिवा टेम्पल पहले वहां स्थित करता था और इसके भी ऊपर एक केस किया जाए, पर जो कि साउथ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जरा अलग है, लैंग्वेज बेसिस पे भी है, इसीलिए ये संघ का उधर ज्यादातर जाना उचित नहीं था वह वक्त। वैसे ही आज का जो ये परिस्थिति है, मथुरा हो और काशी हो, तो इनमें एक फर्क है जो अयोध्या में नहीं था, वो है कि ऑलरेडी एक मंदिर वहां स्थित है। मथुरा में भी हो तो जो ईदगाह, शाही ईदगाह मॉस्क है, उसके साइड में ही मंदिर स्थित है, बिरला मंदिर है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और वाराणसी में जो वह है वो अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की मराठा महारानी थी, उन्होंने 1780 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1780 में बांधा हुआ आज का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है। और इसके बावजूद अभी जो जो कि राम मंदिर का मुद्दा तो ठंडा होने लग गया है, नए मुद्दे की जरूरत है भाजपा और संघ को उभर कर आने। अभी जातीय तौर पर भी भाजपा और संघ जो है अपने ये जात, पहले जमाने में जो जात मतलब जो कास्ट वॉरियर्स कहते थे, चाहे सुहेल देव का एग्जांपल ही सबसे उचित होगा मुझे लगता है, उनको कैसे एक पासी राजा से बढ़कर उनको इनफैक्ट एक मुस्लिम इन्वेडर को रोकने वाले एक राजा के तौर में उनको एक हिंदुत्व का एक छवि उनको दी गई है।
कहने के लिए ये लोग ये बात मानने तैयार नहीं है कि हमारे जो पुराना जो समय था तब हम बटे हुए थे, बहुत से राज्य थे, तो राजा आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहते थे और बाहरी ताकत का वो डिफेंड करते थे। इसका ये मतलब नहीं कि सब एक थे। संघ का जो विचार है वो बहुत विचित्र है। मेरे कुछ दोस्त है संघ से जुड़े, उनसे मेरी बातचीत हो रही तो उनका कहना है अखंड भारत का एक जो प्रिंसिपल है वो संघ के केडर तक डीप तक उनके वह है। और शायद आप लोग को याद भी होगा, नहीं पता, जो नाथूराम गोडसे जब मरने वाला था उनके अंतिम विल में उन्होंने कुछ कहा था कि अखंड भारत के सिंधु नदी में ही उनका अस्थि दान किया जाए। और मैं पुणे से आता हूँ तो मेरा कॉलेज जो था उन्हीं के जो वाड़ा है, मतलब उनकी अस्थि जहाँ रखी गई है उसी के नजदीक था। तो यह चीज से मुझे तो यह चीज मैंने बहुत अचंभे से सुना था और समझा था। तो संघ का जो विचार है यह देश को बांटने के साथ एक जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको हिंदुत्व जो ब्राह्मणिज्म है उसके फोल्ड में लाने का उसका मेन एम है। और उसके लिए वह जो मेजोरिटी अपीसमेंट है उसमें लगा हुआ है, उसे फर्क नहीं पड़ता अभी जो भी है। उसने क्रिश्चियंस और बाकी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से उनको छोड़ दिया है। ये CANRC से ही हमें समझ जाता है कि जो पहले डिवाइड था हिंदू अहिंदू का जो डिवाइड था वो बदलकर मुस्लिम मुस्लिम में करने में एक हद तक सक्सेसफुल हुआ है। लव जिहाद भी हो तो भी केरल वगैरह में आप देखेगा तो लव जिहाद का जो है ये इलेक्शन में बहुत साइलेंट वॉइसेस थे और ज्यादातर वॉइसेस चर्च ने उठाए थे। RSS तो उठा ही रही थी, साथ में चर्च ने भी उठाए। तो जो इस तरीके का डिवाइड भी RSS करने आ रहा है ये सच में तो देश के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आने वाले युग में। हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी वह अभी मैं ही होता हूँ तो एक बदलाव मुझ में आया है जब से ये सब चल रहा है देश में कि कोई रिपोर्ट हो या कुछ भी हो जब मैं नाम पढ़ता हूँ तो मैं उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ ताकि जिस सोच से उसने वो लिखा हो वो मुझे समझ जाए। किसी भी चीज पे ब्लाइंडली बिलीव करना तो नहीं होता, ब्लाइंडली बिलीव करना ही नहीं, पढ़ते टाइम हमें एक ये डाउट होता ही है। तो उस तरीके से संघ ने जो है पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया है और आने वाले युग में भी वो चेंज करते ही रहेगा। अभी दोस्त अगले साल यूपी में वगैरह इलेक्शन है तो कौन जाने कि हर हर महादेव बन जाए, जय श्री राम की जगह नारे बदल जाए, कह नहीं सकते ना हम। और उसी तरह जय श्री कृष्ण भी बन सकता है। तो ये जो बदलाव है संघ बहुत जल्दी लाना चाहता है, उसका जो अनुशासित केडर है डिसिप्लिन्ड केडर है वही इस बदले को जल्दी ला रहा है। और रही बात बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इसको अपोज करना बहुत मुश्किल मुझे लगता है। एक कारण तो ये है कि ये बहुत लोगों की इमोशनल और आइडेंटिटी से जुड़ा है, खास करके हिंदू समुदाय के लोगों की आइडेंटिटी से जोड़ने में संघ कामयाब रहा है। तो इसी तरीके से अगर बड़े पार्टी इसके खिलाफ बोलते हैं तो उनको ये डर है कि संघ और बीजेपी उनके ऊपर माइनॉरिटी अपीसमेंट का जो ठप्पा है वो ना मार दे और उसके कारण उनके वोट ना नष्ट हो। बिल्कुल यही बात है सर। जैसे मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ हद तक जो है उसके साइलेंट है, उनको उनको डर है कि उनको मुस्लिम अपीसमेंट का ना वो पहना दिया जाए और ठप्पा उन पर लग जाए तो उनकी जो राष्ट्रीय पृष्ठभूमि वो नष्ट हो जाएंगी। ये डर में हो जी रहे हैं, इसे नहीं होगा। और जहां तक मुझे लगता है संघ को जवाब देना है तो संघ जैसे ही एक अनुशासित केडर का आना जरूरी है, केडर बेस वाले पार्टी का उभर कर आना जरूरी है और हिंदू उदारवंतों का भी उभर कर आना जरूरी है। हिंदू बनाम हिंदू राम मनोहर लोहिया जी की जो किताब है उसकी बात आज भी वो एप्लीकेबल है। उस वक्त जब भी लिखते वक्त तो अलग सिचुएशंस थे पर आज के सिचुएशन में भी वो सही ही है। और यही सब मुझे कहना था सर। और भी कोई साथी कुछ इसमें बोलना चाहे तो? नहीं, अपने वरदराजन जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं लेकिन बस इनकी मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ कि ये जो संघ का जो डिसिप्लिन्ड कार्डर की बात होती है बार बार, कौन सा डिसिप्लिन्ड कार्डर है भाई? ये
सर डिसिप्लिन से मेरा मतलब इतना ही था कि संघ का जो टॉप लेवल बोलता है या संघ का जो प्रचारक बोलता है, शाखा प्रमुख होता है, वो बोलता है, उसके अलावा उनका सोच नहीं है। डिसिप्लिन कार्डर में इसीलिए बोलता हूँ, शायद डिसिप्लिन नहीं बल्कि एक बेवकूफ कार्डर में तब्दील किया गया है उनको। वो सोच ही नहीं पाते है, उसके बाहर उनका सोचना बंद हुआ है। हम जो कह रहे थे हमारे दोस्त है, और एक बात मैं कहता हूँ, ये कोरोना के वक्त में पुणे के अस्पतालों में साफ सफाई की बहुत कमी थी, तब भी संघ का यह कैडर ही साफ सफाई तक कर रहा था। तो जिस तरीके से वो अपना बीजेपी के लिए जो पॉलिटिकल बेस वो बना रहा है, वो आइडियोलॉजिकल है, साथ में सर्विस भी कर रहा है, और उसका जो कैडर है, उसके शाखा प्रमुख हो या प्रचारक हो, उनके ऊपर की बात वो समझ नहीं पाते या सोच नहीं पाते, उनका सोचना जो है वो बंद किया गया है। एक बार आप संघ में जाओगे, वहां उनके जो शाखा में जाओगे, उसके बाद आप उन्हीं के साथ जुड़ जाओगे, तो आप उसके बाहर सोच नहीं पाते हो। अभी लोगों को मीडिया में इतना जहर जो है वो समझ नहीं आ रहा है। संघ वाले आज भी समझते हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है वो उनकी जो पूर्वज है उन्होंने शुरू की थी, पर बात ये गलत है, और वो सोचेंगे नहीं कभी, क्योंकि उनका मन उस तरीके से तब्दील किया गया। मैं एक्चुअली डिसिप्लिन कैडर से यही मतलब मेरा था कि उनका सोचना रुक गया है, वो बाहरी दुनिया का कोई बात सुनेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, वो सब वही सुनेंगे जो उनके प्रचारक कहते हैं। जी नहीं, यही मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था कि ये जिसको ये भी एक मिथ है, क्योंकि ये ठीक है कि वो कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं सेवा का काम करते हुए, या वो चैरिटी का काम करते हैं, या कहीं पे भी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो वो पहुंचते हैं काम करने, लेकिन ऐसा काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह का काम जो है बिना किसी रिकॉग्निशन के करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्डर है जो सब जो कुछ भी करता है वो सिर्फ वोट के हिसाब से करता, तो इसको भी एक्सपोज करने की जो मुझे लग रहा है यही बात है कि बाकी जो है वो पीछे है, पर्दे के पीछे है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, इनका जो कैडर है वो आगे कर रहा है। मैं अभी देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि एएसएफ के लोग भी इसके वक्त काम कर रहे थे, पर उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं, उनके फेसबुक पेज में एक पोस्ट तक नहीं आया उसके बारे में, पर आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, व्हाट्सएप पोस्ट हो, फेसबुक पोस्ट हो, आते ही रहता है। वो काम उनका उभार कर है, और स्पेशली पुणे जैसे एक जगह हो जहाँ पर बीजेपी का भी अच्छा, म्यूनिसपालिटी में भी उन्हीं का लीड है, उनके एमएलए ज्यादा है, एमपी है वहां से, इसलिए इसमें थोड़ा और उनको अपर हैंड मिलता है, ये जो फैला बात पब्लिक तक पहुंचाने की जो सिस्टम है उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है वरदराजन जी, आप अपना ईमेल भेजिए, हमें लगता है कि इस पे और डिस्कशन की जरूरत है कि ये संघ को कैसे काउंटर करना चाहिए, इस पे हम और भी सेशंस रखेंगे, और अब तो हमें लगता है कि अब समय यह आ गया है कि अब खुल के बात होनी चाहिए। तो आज के सत्र का समय खत्म हो रहा है, इस पे हम चाहेंगे कि अगर जफर किदवई साहब कुछ बात रखना चाहें, या अजंता सरकार जुड़ी हैं कलकत्ता से, अभी उन्होंने चुनाव लड़ा है पश्चिम बंगाल में, अगर वो कुछ बात रखना चाहें, और नहीं तो मैं चाहूँगा कि लुबना सरवत एक अंतिम कॉमेंट करके, धनंजय त्रिपाठी जो बात कहे वो हिस्टोरिसिटी समझा, वो कि व्हाट अबाउट द हिस्टोरिसिटी ऑफ वाराणसी, और जागृति राही जो कितने अच्छे बात बताए कि दिस नीड्स टू बी टेकन टू एन इंटरनेशनल लेवल नाउ, और वरदा राजन जो कितनी अच्छी तरीके से ही ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन from different angles, you know, especially the RSS angle. I very much appreciate the thoughts and inputs coming in from these three speakers. और मैं बस इतना ही बोलना चाह रही कि धनंजय भी जो बोल रहे थे कि दोनों स्तरीय पे होना चाहिए, see, it is very, very necessary to counter it from the court level, because today, anything, the things are moving, and the people who are moving against the constitution, they are taking the support of the court. इसीलिए कोर्ट्स हैव बिकम द बैटल ग्राउंड्स नाउ, एंड इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टू स्ट्रगल एंड गेट अ कॉन्स्टिट्यूशनल विक्ट्री फ्रॉम द कोर्ट, क्योंकि इंडिया की अब होप वही है। ओके, तो वो एक बात है, और जमीनी स्तर पे जो काम करने की बात है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू डू साइमल्टेनियसली, वी हैव टू गो अबाउट टेलिंग पीपल, एंड आई विल टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम बीजेपी, जैसे कि अभी डिसिप्लिन वगैरह की बात होती है, आई विल फिनिश ऑफ। आपका आवाज नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है सर,
अभी मैडम अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी अभी, हाँ 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 बोलिए। ओके सॉरी सॉरी, तो मैं ये बात बता रही थी कि अपार्ट फ्रॉम काउंटरिंग द कोर्ट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो जमीनी स्तर पे जो काम करने की और इंटरनेशनल अपील की बात बोल रहे हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इट टू द इंटरनेशनल लेवल एंड टू वर्क एट दी बॉटम लेवल। नाउ बीजेपी से जो बात सीखने को हम लोगों को मिलता है वो एक बात बताना चाह रही हूँ मैं। देखिए अमित शाह वगैरह भी संपर्क नाम की एक शुरू कर देते हैं, वो कुछ एक छोटा सा स्कीम जैसा शुरू कर देते हैं संपर्क। तो संपर्क में वो क्या कर रहे थे, हर किसी को, यानी दे विल गो टू एनी एक्सटेंट, वो मेट्रोमैन को भी पूछ लेते हैं, प्रणब मुखर्जी को भी पूछ लेते हैं, किसी को भी वो जाके पूछ सकते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट है ना, ऑल दिस इज यू नो उनका एकदम गाइडेड है, पूरा पीछे से कोई ये पूरा चला रहा है। सी इट इज नॉट सिंपली लाइक दैट, वो एक्सटेम्पोर नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी मेटिकुलसली स्ट्रेटेजाइज्ड कि आप जाके उनको वही बुलाएंगे, उनको शौक लगेगा कि आप बुलाए, लेकिन आप बार बार बुलाएंगे तो उनको आप ऑफर भी देंगे कि आप केरला के सीएम रहेंगे। So all this, you know, it's playing so well. तो ये strategy and एक advisory board, एक think tank बैठी हुई है जो execute कर रही है पूरा। तो हमारे पास वो रहना चाहिए, 72 IAS officers जो बार बार लिखते जा रहे हैं, ये 70 IAS officers को अपन ने एक अपना India का think tank मान के उनको पूछ लेके, उनको अपन confidence में लेके open रहना चाहिए political parties ने, खास करके बड़े बड़े parties जो केड़ा रखते हैं, CPM, CPI, Congress, ये पार्टीज ने उभर के आना चाहिए। आई थिंक इट इज देयर इज नो टाइम टू प्ले एनी डिप्लोमेसी और टू हैव एनी अदर थिंग्स। और रही लास्ट बात जो बोल रहे थे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस पे नहीं आएंगे, अरे ममता बनर्जी का एग्जांपल ले लो भाई, शी इज ओपनली शी इज टेलिंग यस मुस्लिम्स नीड दिस प्रोटेक्शन दैट प्रोटेक्शन, आई मीन शी इज जस्ट ओपन अबाउट इट, शी इज नॉट बीइंग अपोलोजेटिक अबाउट इट, एंड आई एम नॉट टेलिंग एनकरेजिंग यू कि पॉलिटिकल पार्टी शुड टेल वी आर गोइंग टू सपोर्ट मुस्लिम्स। अरे भाई यू बी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आप मोरालिटी से रहिए, एथिकल वर्क कीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे रहिए, जो 5 प्रियम्बल के 5 वैल्यूज है इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पे रहिए काफी है। एंड ममता बनर्जी इज डूइंग दैट, शी इज क्वेश्चनिंग द ईसीआई, आई एम नॉट गिविंग एनीबॉडी अ क्लीन सर्टिफिकेट या नथिंग, बट आई एम टेलिंग शी इज द वन हु इज रिपीटेडली क्वेश्चनिंग इट अगेन एंड अगेन विदाउट बीइंग अपोलोजेटिक, दैट इज नीडेड राइट नाउ इज व्हाट आई वांट टू टेल। थैंक यू सो मच। ठीक है लुबना, वी हैव गॉट योर पॉइंट, आई थिंक वी विल ट्राई टू फाइल, वी विल ट्राई टू इंटरवीन इन द कोर्ट लीगल प्रोसेस। सो आई विल टॉक टू वेरियस एडवोकेट्स, आई हैड इनवाइटेड देम टू ज्वाइन टुडेज डिस्कशन बट नन ऑफ देम हैव कम, अनिल लौरिया, संजय पारेख, एनडी पंचोली, बट आई विल टॉक टू देम। एंड can you prepare a small note on how you know this should be approached in the court? Yeah, I can. So, because any lawyer will and give references to all the cases which are going on right, at different levels. I can do that. Yeah, so please do that, and we will approach the advocates, and we will try to intervene in the court process also. Okay. And I think we should immediately launch a campaign that we need more hospitals than temples and mosques. And we have to give the reference to this Gyanwapi and Kashi Mathura ka dete hue. Hamne bolna chahiye ki ye behas nahi, humko kuch aur chahiye. ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। आप ममता बनर्जी की बात कर रही थी, देखिए अजंता सरकार जुड़ी हुई है, वहाँ इलेक्शन लड़ा है। अजंता जी आपका इलेक्शन हो गया? हाँ मेरे, हाँ सर मेरा इलेक्शन हो गया। आप कैसे हैं? ठीक है तो? हाँ मैं ठीक हूँ। तो बंगाल में क्या माहौल है? बंगाल में जो माहौल है वो जो देखिए, जो 10 तारीख में मेरा इलेक्शन था, हाँ तो मैं क्यों किया, मेरा इलेक्शन एजेंट भी किया, उधर सेंट्रल फोर्स भी था और वेस्ट बंगाल फोर्स भी था, बहुत बहुत पीसफुल इलेक्शन हुआ, हाँ कोई कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ, हम बहुत सारा बूथ में भी गया तो उधर सब कुछ ठीक था। हमारा जो चिंसुरा 190 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ उधर। ठीक है चलिए, आपको आपको शुभकामनाएं जीतने के लिए, और हम लोग जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके बाद एक बार फिर से एनालिसिस के लिए फिर से मिलेंगे। तो, जी जी हाँ.
पश्चिम बंगाल में वो जो SPI सोशलिस्ट पार्टी इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमको सोचना चाहिए क्योंकि इधर वो नाम बहुत परिचित नहीं है। हाँ, इधर बहुत क्वेश्चन आ रहा है जब हम बोलता है ना, बहुत लोग बोलता है हम लोग SUCI है, बहुत लोग बोलता है हम लेफ्टिस्ट है। हाँ, अच्छा आइडियाज नहीं है लोगों का पास। नहीं नहीं ठीक है, हम लोग चुनाव के बाद एक मीटिंग करेंगे जल्दी ही और अच्छा, बात करेंगे। जी जी, तो प्रवीण जी, अब आप समापन कर सकते। ठीक है सर, और सभी वक्ताओं के विचार आए और एक समझ हम लोगों की बढ़ी है कि क्या क्या ऐसे काम हो सकता है, और जिस तरीके से अभी ये एक राक्षस है जो धीमे धीमे अपना सर उठा रहा है, तो इसके विरोध में हम लोग एक कैंपेन शुरू कर सकते हैं। और एक हॉस्पिटल वाली जो कैंपेन शुरू करने को आपने कहा, ये बहुत अच्छा विचार है कि मंदिर मस्जिद नहीं, हम एक हॉस्पिटल और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल बनाने के लिए कैंपेन चलाएं। और मुझे लगता है कि इसको अच्छा ये अपीलिंग होगा लोगों को, बजाय मंदिर मस्जिद की बात करें और पास मतलब पीछे बढ़ने के बजाय हमको आगे बढ़ना चाहिए। पास में अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो उस चीज पर बहुत ज्यादा समय देने के बजाय आगे बढ़ने का समय है। ठीक, और सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय दिया। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि ये वरदराजन जी जो बातें कर रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है, और एक दिन आप इसी पे सत्र रखिए कि हाउ टू काउंटर RSS। जी, तो आप बता दीजिएगा जब भी, तो अगर इसी हफ्ते कोई खाली हो तो दिन भी रखा जा सकता है या फिर नेक्स्ट वीक, इसको अगले हफ्ते या उसके अगले रखना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने अपनी मेल भेज दी है तो उसके थ्रू उनसे कम्युनिकेशन हो जाएगा, और इसका एक संगठित ढंग से हम लोगों को कुछ कार्यक्रम तैयार करना होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।